हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आर माई विलेज किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद जो है आज हम वीडियो बना रहे हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अंडे की रेसिपी और इसको जो है बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 अंडे और 3 आलू जो है हमने उबलने के लिए रख दिया है। इसे जो है अच्छे से हम उबाल लेंगे। बस 3-4 मिनट के बाद जो है ये अच्छे से जो है उबल जाता है। आलू यहाँ पे दोस्तों जल्दी ही पक जाएगा और जो है अंडे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे आइए देख लेते हैं। ये देखिए आलू जो है हमारा अच्छे से जो है पक गया है। तो चलिए इसको जो है हम इंडक्शन को बंद कर देते हैं और इसे जो है हम ठंडा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एक जग में जो है पानी लिया है और इसी में जो है इसको हम ठंडा करने के लिए डाल देते हैं। तो आलू को भी हम डाल देंगे और अंडे को भी जो है हम इसी में डाल देंगे। डालने से ये रहता है ठंडे पानी में जो है ये ठंडा हो जाता है, तो छीलने में जो है बहुत ही आसानी रहती है, वरना हम गरम गरम इसको छील नहीं सकते, बहुत ही जलता रहता है। तो देखिए हल्का हल्का ये ठंडा हो गया है। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा इसी तरह थोड़ा सा किसी चीज़ पे मार लेंगे या हाथों से ऐसे दबा देंगे तो जो है इसमें का छिलका थोड़ा ढीला हो जाएगा और छिलके को जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, छिलका जो है थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे इसे। बनाना दोस्तों इसे जो बहुत ही आसान है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोस्तों अंडे जो है छील लिए हैं, आलू भी छील लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से छिल गए हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने साफ़ पानी में जो है अंडे थोड़ा सा धुल लेंगे, क्योंकि जो छिलका लगा रहता है दोस्तों वो भी पानी में जो है नीचे बैठ जाता है, अंडे में नहीं चिपका रहेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह देखिए दोस्तों, हम सारा फिर से हमने जो है पानी से धुल लिया है। ये देखिए अंडे में बहुत ही छोटे छोटे जो है छिलके चिपके रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और धुलने के बाद बहुत ही अच्छे से ये धुल जाते हैं और पानी में बैठ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3-4 प्याज लिया है, इसे छील लिया। छीलने के बाद इसी तरह जो है हम लंबा लंबा थोड़ा सा काट लेंगे। और यहाँ पर हरी मिर्ची ली है मैंने, 10-12 हरी मिर्ची ली है, 2 टमाटर लिया है, तो मिर्च को भी जो है हम काट लेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा बीज से फाड़ के ऐसे काट दे रहे हैं हरी मिर्च को। तो चलिए दोस्तों, जो है अब टमाटर भी हम काट लेते हैं। तो टमाटर आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, छोटा बड़ा, वैसे भी इसको जो है कल जाना ही है। आप चाहे तो इसे पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हमने पोंछ दिया, जो भी पानी वगैरह थोड़ा सा गिर गया था उबलते हुए अंडे। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब चलिए अंडे को जो है हम फ्राई कर लेते हैं सुनहरा। तो एक एक करके अब बहुत ही सावधानी से डालना है, वरना इसकी छींटे मुंह पे आ जाएंगे, आप जल भी सकते हैं। इसीलिए इसे जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही सावधानी से इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे आलू को भी हमने बीज से ऐसे काट लिया है, काटने के बाद इसको अंडे के साथ हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए अच्छे से ये सुनहरा जो है फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम दोनों चीज़ों को निकाल लेते हैं, ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है, बस इतना ही, हल्का हल्का सुनहरा हो जाए बस इतना ही फ्राई करना है। तो अब हम इसको निकाल के सारा रख लेंगे। आलू भी फ्राई रहता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे दोस्तों इसी तेल में तड़का जो है डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस तेल को जो है हम हटा देंगे। हटाने के बाद हमने दोबारा से कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और कढ़ाई जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाती है तो हम इसमें डाल देंगे तेल, और जो भी काला काला है उसको हम नहीं डालेंगे, ऐसे हम जो साफ साफ तेल है उसको डाल के हम बनाने वाले हैं। अब चलिए फिर तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले। खड़े मसाले में हमने दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची और काली मिर्च डाला है। आप जो भी मसाले पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद हमने डाल दिया है हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। अब चलिए दोस्तों, तड़के को जो है हम सुनहरा पका लेते हैं। खड़े मसाले का फ्लेवर जो है किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए दोस्तों, तड़का जो है हमारा जो है सुनहरा होने लगा है। ये देखिए तड़का जो है हमारा अच्छे से जो है सुनहरा हो चुका है। तो हमने इसमें डाल दिया है टमाटर। तो यहाँ पर 2 टमाटर हमने बारीक काट के डाल दिया है, आप चाहे इसका जो है पेस्ट भी डाल सकते हैं। और टमाटर को गलाने के लिए जो है हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। अब जब भी हम टमाटर डालते हैं दोस्तों, नमक डाल देते हैं तो टमाटर हमारे बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, गलने में समय बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम डाल रहे हैं 1 पैकेट मसाला। अब जो भी मसाले खाते हो दोस्तों वो आप डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद हम अच्छे से इसे चला देंगे।
और ये सूखे मसाले हैं दोस्तों, तो जल्दी जो है जलने लगते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी, पानी डाल के हम पकाएंगे तो मसाले जो है हमारे अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी हमने डाल दिया है, डालने के बाद अच्छे से चला दिया है। चलिए इसको जो है हम ढक देते हैं, ढक के पकाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला जो है हमारा अच्छे से पक गया है और तेल देखिए मसाले से अलग होने लगा है, इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब जितनी आपको पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से दोस्तों इसमें जो है पानी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है, अब इसमें अच्छे से जो है उबाल आ जाने देते हैं, थोड़ा सा ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है, तो चलिए इसमें डाल देते हैं जो भी हमने अंडे और आलू फ्राई कर रखे थे उसको डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सारा जो है हमने डाल दिया है और डालने के बाद जो है इसे थोड़ा सा जो है हम चला देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको जो है हम ढक के 5 मिनट पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से पक रही है, थोड़ा सा और चला देते हैं इसे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ढक के और हम पका लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये देखिए सब्जी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, एक बार ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जो है हम खाने के लिए निकाल ले रहे हैं, आप लोग भी आइए और खाइए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।